दोस्तों एक सवाल मेरे काफ़ी व्यूअरों ने मेरे तो पूछा है कि जिहड़ा आदमी सरकारी नौकरी करता है उसते जे पुलिस केस हो जाए FIR हो जाए तो उसकी सरकारी नौकरी उत्ते की असर पैंदा है। तो उन्होंने सवाल पता की होंगे ने कि नौकरी उसकी नौकरी खत्म हो जाती है जां उसनू कम तो सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ महीने वास्ते जां सरकारी नौकरी तो कोई असर नहीं पैंदा। तो दोस्तों पूरी डिटेल तुम्हें इस वीडियो में देवगा। जो वीडियो पसंद आती है तो बेनीफिशियल लगती है तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो तो वीडियो में लाइक जरूर कर लो। तो दोस्तों जिमें कि तुम्हें पता है कि इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग दो किस्म के केस होंगे ने। एक तो होंगे सिविल केस तो दूजा होंगे क्रिमिनल केस। सिविल केस दोस्तों वो केस होंगे ने जिन्हें आप फैमिली रिलेटड अपने केस सुलझाने जज एग्जाम्पल के तौर पर आप कर लेने तलाक संबंधी केस हो गए जो किसी बच्चे की कस्टडी लैन वास्ते जो केस हो जाता है वह सिविल केस में आ जाता है। जायदाद के बंटवारे संबंधी केस भी यह सिविल केस में आते हैं। तो क्रिमिनल केस की गल करिए दोस्तों जो अपराध न संबंधित होंगे एग्जाम्पल के तौर पर चोरी का मामला होया कुटमार का मामला होया कतल का केस या बलात्कार का इस तरह के संगीन मामले जोड़े होंगे ने यह क्रिमिनल केस सुलझाए जाते हैं। दोस्तों सब तो पहले आप गल करा सरकारी नौकरी उत्ते जो क्रिमिनल केस का की इंपैक्ट पैंता है। दोस्तों तुम्हें मैं यह ऑप्शन के थ्रू समझावगा जो तुम्हें आसानी ना ये समझ में आ जाए कि इसकी की गलबात होंगी है। ओके दोस्तों जो सब तो पहला ऑप्शन है वह गिरफ्तारी के मामले में एग्जाम्पल के तौर पर मैं दसदा जे थोड़े उत्ते कोई FIR हो जाती है ज पुलिस केस हो जाता है तो सिर्फ FIR नाल तुहाडी नौकरी पर कोई असर नहीं पैंदा। पर FIR होने तो बाद जे तुसी पुलिस की हिरासत में 24 घंटे तो ज़्यादा समा रह जाते हो फिर थोड़ा विभाग है जो थोड़ा डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट में तुसी काम करते हो वो तुहानू कुछ महीनों लिए सस्पेंड कर सकता है टर्मीनेट नहीं कर सकता। ओके दोस्तों नैक्सट ऑप्शन की गल करिए जे थोड़े उत्ते केस चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पर जे थोड़े उपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है पर तुसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया हले ये फिर थोड़ा विभाग थोनू ना तो सस्पेंड कर सकता है ना ही टर्मीनेट कर सकता है। बट हाँ वो थोड़े केस की फाइल मंगवा सकता है तो उसनू रीड कर सकता है। इस तो इलावा वो केस के जो फैसला है उसकी उड़ीक कर देगा। जो थोड़े अगेंस्ट जाता है केस का फैसला तो थोड़ा विभाग तो थोड़ी नौकरी समाप्त कर सकता है जो तो सस्पेंड भी कर सकता है। ऑप्शन की गल करिए दोस्तों जो तो सज़ा मिल जाती है एग्जाम्पल के तौर पर जेकर किसी भी केस या किसी भी अदालत थ्रू थोनू सज़ा का ऐलान कर दिया जाता है तो 24 घंटे तो ज़्यादा की सज़ा जी तो सुना दी जाती है पर तुसी जमानत उत्ते बाहर आ जाते हो तो भी तुहाडा विभाग है जिहड़ा तुहाडा डिपार्टमेंट तुहानू सस्पेंड कर सकता है क्योंकि तुहानू 24 घंटे तो ज़्यादा का समा दोस्तों हो चुका होंदा है। तो इस स्थिति में तुसी अपील ते नहीं जाते हो फिर भी तुहाडा विभाग तुहानू स्थाई तौर पर जिहड़ा थोड़ी नौकरी समाप्त कर सकता है या परमानेंटली तुहानू टर्मीनेट अपनी जॉब तो कर सकता है। तो नैक्सट ऑप्शन की गल करिए दोस्तों जे तुहानू केस में जुर्माना हो जाता है जे अदालत द्वारा किसी भी अपराधक मामले में तुहाडे उत्ते 100 रुपये तो ज़्यादा का जुर्माना हो जाता है फिर भी तुहाडा विभाग तुहानू सस्पेंड कर सकता है बट परमानेंटली जिहड़ा टर्मीनेट नहीं कर सकता। अते दोस्तों पर जे तुसी बिजली चोरी या पानी चोरी या म्यूनसीपल कारपोरेशन वालों कोई भी जुर्माना लगाया है तुहाडे ते फिर तुहाडी सरकारी नौकरी ते इसका कोई असर नहीं पैंदा। पर दोस्तों किसी भी अपराधिक मामले में होया तुहाडे उत्ते जुर्माना तुहाडी नौकरी ते बुरा असर भी पा सकता है ते तुहाडे विभाग तुहानू टर्मीनेट या सस्पेंड भी कर सकता है। तो नैक्सट वीडियो आप दोस्तों गल करांगे सरकारी नौकरी उत्ते जिहड़ा सिविल केस हुंदा उसका की इंपैक्ट पैंदा है। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए यह दो पार्ट में मैं डिवाइड करती है। जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लो तो वीडियो में लाइक जरूर करो।